हेलो दोस्तों, आज हम अपने प्रीमिक्स के 15 सेशन में और आज हम दोबारा आपके लिए 5 वेरी हाई वैल्यू क्वेश्चंस लेके आए हैं। आई होप आप पिछले क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं। सॉल्व करने के साथ साथ व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि आप इन क्वेश्चंस को कॉन्स्टेंटली रिवाइज करते जाए। रिविजन इज द की टू सक्सेस फॉर एनी यूपीएससी एग्जाम, ठीक है। जितना आप उसको रिवाइज करेंगे उतने ही वो पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठते जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस देम जब आपका एग्जाम आए उतनी ही एफिशिएंटली, ठीक है जी। ओके, तो आपको हमारे सभी फ्री और पेड कोर्सेज के बारे में मालूम है। आई होप आप इन सभी कोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं और अपनी प्रिपरेशंस को और भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, राइट। ओके, तो अपने सवालों पर आते हैं। पहला सवाल है, सी विजिल ऐप हैज़ बीन लॉन्च टू, तो सी विजिल ऐप का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या यूज आता है इस ऐप का या क्यों इसे लॉन्च किया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है टू रिपोर्ट स्पेसिफिक करप्शन एलिगेशंस अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल, दूसरा है कनेक्ट द पब्लिक टू द लोकल पुलिस एंड अलाउ कम्युनिटी टू बिकम मोर इन्वॉल्व राइट फ्रॉम आर स्मार्टफोन, तीसरा है रिपोर्ट मिसकॉन्डक्ट ऑन अ फेलो एम्प्लॉई और सुपीरियर विद इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थ्रू दिस अनोनमस रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो क्या ये करप्शन एलिगेशंस के लिए है, क्या ये आपको लोकल पुलिस से कनेक्ट करवाने के लिए है, या फिर किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय के मिसकॉन्डक्ट को लेके है। तो दो मिनट पॉज कीजिए, इसके बारे में सोचिए और आपका आंसर है यहाँ पे नन ऑफ द अबव। सी विजिल ऐप दोस्तों आपने शायद MCC सुना होगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जिन भी स्टेट्स में इलेक्शंस होते हैं उस समय पर वहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिस भी ड्यूरेशन में लगा हुआ है, अगर आपको लगता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रेक किया जा रहा है या इसके अगेंस्ट कोई इंसिडेंट हो रहे हैं, तो आप उन सभी इंसिडेंट्स को कहाँ रिपोर्ट करेंगे, सी विजिल ऐप पे रिपोर्ट करेंगे, ठीक है जी। तो सी विजिल ऐप किस लिए है, इट विल अलाउ एनीवन इन द इलेक्शन बाउंड स्टेट टू रिपोर्ट द वायलेशंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है जी। ओके, तो इसके बारे में और भी आपको डेटा दिया हुआ है, मेक श्योर यू रीड ऑल दिस और अपने नोट जरूर कंप्लीट करें, ठीक है। दूसरे सवाल पे आते हैं। तो आपका दूसरा सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद डिजी यात्रा। आई एम प्रीटी श्योर आपने डिजी यात्रा के बारे में सुना होगा। यहां पर वी आर स्पीकिंग अबाउट द मिनिस्ट्रीज, तो कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो डिजी यात्रा की बात हो रही है, डिजिटल यात्रा की बात हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकती है, हो सकता है किसी का कल्चरल यात्रा है, हो सकता है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, हो सकता है सिविल एविएशन से रिलेटेड है। तो दो मिनट पॉज कीजिए, सोचिए आपने इसके बारे में क्या पढ़ा था और आपका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। तो दोस्तों डिजिटल यात्रा बेसिकली क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है ना कहीं फ्लाइट से जो आप ट्रैवल करते हैं उसकी बात हो रही है। तो जब आप टिकट्स बुक करते हैं, वहां से जब आप एयरपोर्ट जाते हैं, आपके बोर्डिंग पासेस, आपके सिक्योरिटी चेकिंग्स, हर चीज को डिजिटल बनाने की बात हुई है। कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया को भी प्रमोट करता है। तो बेसिकली ये पैसेंजर की कंप्लीट एयर ट्रैवल को पेपरलेस बनाना चाहते हैं, राइट। द बोर्डिंग पासवर्ड, द सिक्योरिटी चेकिंग, सब कुछ डिजिटल हो जाए, आपकी ऑथेंटिकेशन आधार के साथ हो जाए और आपकी यात्रा पूरी की पूरी डिजिटल हो जाए। इसलिए ये कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है, क्योंकि एयर ट्रैवल की बात हो रही है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है जी। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट विद मनी बिल्स विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स। तो स्टेट के मनी बिल्स की बात करनी है, जब एक मनी बिल स्टेट्स में इंट्रोड्यूस होता है तो क्या उससे ये रिलेटेड बातें सही हैं या गलत हैं, आपको सिर्फ सही वाला चूज करना है, ठीक है। ओके, पहले वाले पे आते हैं। इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली और इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। वो लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो आप और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सेकेंड है, इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर। थर्ड है, इन केस ऑफ डेडलॉक ओवर द बिल द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज। फोर्थ है, दिस जॉइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड बाय स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो आपने इन सब में से ट्रू बताना है, क्या ये असेंबली और काउंसिल दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है,
क्या ये सिर्फ गवर्नर की रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? अगर इनमें डेडलॉक हो तो क्या जॉइंट सिटिंग पॉसिबल है? और क्या जॉइंट सिटिंग को स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही प्रोसाइड कर सकता है? क्या कोई और प्रोसाइड नहीं कर सकता? तो ऑप्शंस हैं ओनली टू, वन एंड टू ओनली, ओनली फॉर वन टू थ्री एंड फोर. तो जस्ट पॉज कीजिए, दो मिनट सोचिए इसके बारे में, और आपका आंसर है only two. It can be introduced only on the recommendation of the governor. See, assembly or council में किसी में भी introduce नहीं किया जा सकता. It can only be introduced in legislative assembly. ठीक है? In case of deadlock over the bill, कहीं पर भी joint sitting के बारे में नहीं लिखा गया है. क्योंकि joint sitting के बारे में नहीं लिखा गया है, तो इस joint sitting से related बाकी options भी गलत हो जाएंगे. तो आपका answer क्या बनेगा? Only two. ठीक है जी? ओके, अगले सवाल पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बर्न कन्वेंशन? बर्न कन्वेंशन इनमें से क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरमेंट फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक एमिशंस एंड रिलीज ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स. क्या ये एनवायरमेंट से रिलेटेड कन्वेंशन है? Next, it is an international copyright agreement which deals with the protection of works and rights of their authors. क्या ये copyright से related convention है? Third, it is an international treaty which was designed to reduce the movement of hazardous waste between nations and specifically to prevent transfer of hazardous waste from developed to less developed countries. क्या ये hazardous waste से related convention है? या फिर it is a basis for initiating a रिफॉर्म ऑफ ट्रेड एंड एग्रीकल्चर इन लाइन विद बाली डिक्लेरेशन. क्या ये ट्रेड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है? तो दो मिनट पॉज कीजिए, सोचिए, क्या ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है? क्या ये कॉपीराइट से रिलेटेड है? क्या ये हजार्डस वे से रिलेटेड है? या फिर ट्रेड एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है? तो आपका आंसर यहाँ पे क्या बनता है? इट इज एन इंटरनेशनल कॉपीराइट अग्रीमेंट विच डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ वर्क्स एंड राइट्स ऑफ देयर ऑथर्स. तो बर्न कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? कॉपीराइट से रिलेटेड है. बर्न कन्वेंशन के बाद में पीआईबी में आया हुआ था, तो इसलिए मैंने यहाँ बर्न कन्वेंशन मेंशन किया है. आपके लिए बस इतना याद रखना जरूरी है कि ये कॉपीराइट से रिलेटेड अग्रीमेंट है. बहुत ज्यादा इसके अंदर ड्वेल करने की जरूरत नहीं है, इतनी डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना कि ये कॉपीराइट से रिलेटेड अग्रीमेंट है. वैसे मैंने आपको डिटेल्स यहां दी है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं और इतना आप याद रख सकते हैं किस चीज का कॉपीराइट, स्पेसिफिकली लिटरली एंड आर्टिस्टिक वर्क्स से रिलेटेड कॉपीराइट. ठीक है जी? ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई राइटर है, कोई लिटरली एक्टिविटी है या कोई आर्टिस्टिक वर्क है, उसके कॉपीराइट से रिलेटेड कन्वेंशन का नाम क्या है? बर्न कन्वेंशन. ठीक है जी? ओके, अगले सवाल पे आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट निर्भय मिसाइल इन इंडिया? सी, देयर आर सर्टन थिंग्स जिनके बारे में ना आपको पता होना चाहिए. ब्रह्मोस, अग्नि, नाग, है ना, ये सब चीजें कुछ हैं जिनके बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए. तो फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस ऑलरेडी मैंने कवर कर लिया है, आई होप आपने ब्रह्मोस पे नोट बना लिया होगा. आज आई एम कवरिंग निर्भय, तो इवेंचुअली ना वील कवर ऑल दी इंपॉर्टेंट चीजें जो डिफेंस की है. तो मेक श्योर डिफेंस, स्पेस, इनके आपके अलग मॉड्यूल्स बने हो नोट्स के, और इनके बारे में आप वहां डेटा नोट करते जाएंगे, सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपका रिविजन का समय आए तो एवरीथिंग शुड बी रेडी इन फ्रंट ऑफ your eyes. ठीक है, चलो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स बताना है अबाउट निर्भय मिसाइल. इट इज अ शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. इट कैन कैरी अ वॉर हेड ऑफ 300 to 400 kgs. थर्ड है, द स्पीड इज 1 to 4 Mach. ठीक है जी? ओके, तो ध्यान से सोचिए आपने निर्भय के बारे में क्या पढ़ा है और आंसर करने की कोशिश कीजिए. तो फॉल्स बताना है, ध्यान दीजिएगा, ट्रू नहीं बताना है, राइट? ओनली थ्री, ओनली फोर, 2 and 3, या फिर ऑल ऑफ द अबव, राइट? तो कौन सा इनमें से फॉल्स है? तो आपका आंसर आता है ऑल ऑफ द अबव, ऑल थ्री आर फॉल्स. ठीक है, सुपरसोनिक नहीं है, यहां पर सबसोनिक मिसाइल आएगा. वॉर हेड का भी वेट गलत दिया हुआ है और स्पीड भी गलत दी हुई है. ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको इसके बारे में डेटा दिया हुआ है, इसके वेट के बारे में, लेंथ के बारे में, स्पीड के बारे में, वॉरहेड के बारे में. तो जस्ट मेक श्योर ये चीजें आपको एग्जैक्टली याद हो. एग्जाम में यही छोटी छोटी चीजें चेंज कर दी जाती हैं और वहां से आपका एक चीजें गलत हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल 200 की जगह 2000 कर दे, आप तो
there's a possibility कि आप ये सोचो कि 2 से related कुछ था और 2000 correct कर दिया. So ये minute चीज़ें हैं जो UPSC test करता है, हमें हर उस minute चीज़ के लिए तैयार रहना है. ठीक है जी, okay. Now map special जैसे कि मैं हमेशा देती हूँ आपको, make sure ये सारे maps आपके पास at the end of the series बन गए हों. तो which of the following passes are in Sikkim? Jalepla, Nathula या फिर Bomdila. ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से पासेस इसमें सिक्किम में है, क्या जलेपला सिक्किम में है, क्या नाथुला सिक्किम में है, क्या बोमडिला सिक्किम में है. तो आपका आंसर है 1 और 2. बोमडिला बेसिकली आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है. तो मैंने यहाँ मैप भी लगाया है, आप देख रहे हो बोमडिला इज इन अरुणाचल प्रदेश एंड नाथुला और जलेपला कहाँ पे हैं आपके सिक्किम में. ठीक है, तो ये मैप आपको दिया है, डेफिनेटली इसके बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें याद करने की आप कोशिश करेंगे. ठीक है जी, ओके, अगले सवाल पे आते हैं. आज का आखिरी सवाल, कल्चर स्पेशल. जितने भी फेस्टिवल साल में PIB में आते हैं वो सारे फेस्टिवल्स एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए. ठीक है, ओके, तो मैच करते हैं. चपचारकूट मिजोरम, बिहेदियन खलाम, दैट्स हाउ आई प्रोनाउंस इट. अगर आपको कोई और इजी वे आता है वो कर सकते हैं. अबूबाची फेस्टिवल मेघालय, हॉर्नबिल फेस्टिवल आसाम. तो आपको इनमें से शायद क्वेश्चन में रह गई वो चीज़ कि जो करेक्ट मैच हुआ है वो चूज़ करना है. ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए. चपचारकूट तो यू शुड डेफिनेटली नो कि कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है. दो बार पेपर में क्वेश्चन आया है, इस बार भी आया है और आई थिंक पिछले से पिछले साल भी पूछा जा चुका है. तो जो चीज़ पूछी जा चुकी है वो अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन भी चपचारकूट ही है मिजोरम. बाकी तीनों जो आपके ऑप्शन है वो गलत मैच हुए हैं. ठीक है, अगर इनमें से आपको कुछ के बारे में डेटा पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो मैंने यहाँ पे हर एक फेस्टिवल और उससे एसोसिएटेड स्टेट के बारे में डेटा दिया है. फॉर एग्जाम्पल हॉर्नबिल नागालैंड से एसोसिएटेड है, चपचारकूट मिजोरम, द थर्ड वन फ्रॉम मेघालय एंड अंबुबाची फेस्टिवल विद आसाम. तो इन चारों के बारे में डेटा दिया है, मेक श्योर आप इसको पढ़ें, स्टेट्स याद रखें. यू वुड नेवर नो कि UPSC आपको किस फॉर्म में सवाल पूछ ले. ठीक है जी, ओके, तो आज के लिए साथ ही सवाल थे. तो आज की जो मैं आखिरी बार डिस्कस करूंगी दैट इज फोकस. इस एग्जाम में आपको सिर्फ फोकस की ज़रूरत है. एक आई वुड लाइक टू शेयर अ सक्सेस स्टोरी. एक दो साल पहले शायद मेडिकल के एग्ज़ाम में एक लड़की ने टॉप किया था, एंड आई स्टिल रिमेंबर हर स्टोरी. उससे पूछा गया कि आपने ऐसा क्या किया जो बाकी बच्चों से अलग था, क्योंकि रैंक तो सिर्फ आपकी फर्स्ट आई है, बाकियों की नहीं आई. सो शी सेड, सर मैंने एक ही काम किया, मैंने व्हाट्सएप फेसबुक सब कुछ अनइंस्टॉल कर दिया अपने फ़ोन से. तो उससे क्या हुआ, मेरा फोकस जो है एग्जैक्टली मेरे एग्ज़ाम पे आ गया और बाकी जो भी डिस्टर्बिंग चीज़ थी वो मैंने अपनी लाइफ से बाहर निकाल दी. आपको भी कहीं ना कहीं यही करना है. जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स. बहुत से ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो शायद आपको अपने गोल से हटाने की बात करें या समहाउ आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं. बट आपका फोकस क्या होना चाहिए, जस्ट योर गोल एंड एवरीथिंग विच इज़ नेसेसरी, जो आप कर सकते हैं अपने गोल को पाने के लिए. यही वो समय है दोस्तों, हम आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ खड़े हैं. मेक श्योर यू वर्क वेरी हार्ड, वी विल मेक यू वर्क हार्ड और अगले साल हम डेफिनेट रिजल्ट्स लेके आएंगे और UPSC डेफिनेटली हम क्लियर करेंगे. ठीक है जी, ओके, चलो दोस्तों बाय बाय, कल मिलते हैं अगली 5 सवालों के साथ. बाय.